नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र तिवारी आप सभी लोगों का मेरे सेन ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ यानी कि सीबीएसई क्लास टेंथ का जो मैथ का पेपर हुआ था आज यानी कि 7 मार्च को, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो पेपर इस बार कैसा आया था, जो सेट वाइज थे उसके अंदर क्वेश्चन क्या सेम थे या कुछ अलग अलग थे, कितना परसेंट जो एनसीईआरटी बुक थी उससे आया था, कितना परसेंट बाहर से आया था और उसका लेवल क्या था, इन सभी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे हाथ में ये 3 सेट रखे हुए हैं, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3। तो आपको पहले ये बता देता हूँ कि इसके अंदर जो 30 क्वेश्चन आए हैं, जो लास्ट ईयर भी 30 ही क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आए हैं उसमें थोड़ा अंतर ये है, पिछली बार जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे यानी कि जो और में जो क्वेश्चन आते थे वो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हुआ करते थे। यानी कि अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर की बात में करूँ तो ए और बी सेक्शन में कोई और क्वेश्चन नहीं आता था और सी और डी में ही केवल और क्वेश्चन आते थे, वो भी 1 में 3 और 1 में 2। यानी कि सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन और में आते थे और सेक्शन डी में जो है वो 2 क्वेश्चन और आते थे। लेकिन इस बार ऐसा किया गया कि सेक्शन ए में भी 2 क्वेश्चन और है, सेक्शन बी में भी 2 क्वेश्चन और में दे रखे हैं और सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन और दे रखे हैं और सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन और दे रखे हैं। तो इसकी वजह से बच्चों के पास ज़्यादा ऑप्शंस थे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यानी ये अगर नहीं बन रहा है तो उसका जो और क्वेश्चन है यानी कि उसका अथवा जो क्वेश्चन है वो बच्चा कर सकता है, तो पास होने के जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है ऐसे होने से, पहली बात। दूसरा सवाल ये उठता है कि इसमें जो सेट्स आए हैं उसमें भी अंतर है। पिछली बार यानी कि लास्ट ईयर की हम बात करें तो सेट तो पिछले साल भी 3 ही आते थे लेकिन क्वेश्चन सेम हुआ करते थे। यानी कि बस उसके जो क्वेश्चन के नंबर से यानी कि उसका अरेंजमेंट है केवल वो चेंज होता था, बाकी क्वेश्चन सेम ही होते थे। सेक्शन जो सेट वन में जो जितने क्वेश्चन 30 क्वेश्चन होते थे वो के वही सेट बी, सेट टू और सेट थ्री में भी वैसे ही होते थे। बस क्या था कि उनके नंबरिंग यानी कि उसका जो अरेंजमेंट है केवल वो चेंज होता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार सभी पेपर्स में क्वेश्चन भी अलग है, सारे अलग नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी क्वेश्चन अलग है, टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 17 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग है। सेक्शन बी की अगर सेक्शन ए की हम बात करें तो 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सभी सेट में डिफरेंट है। अगर हम सेक्शन बी की बात करते हैं तो उसमें भी 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सभी सेट में यानी तीनों सेट में डिफरेंट है, बाकी सब सेम है, 2 क्वेश्चन डिफरेंट है। अगर हम सेक्शन सी की बात करते हैं तो उसमें 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक दूसरे से मैच नहीं करते, यानी कि सेट ए में है तो वो बी में नहीं है, बी में है तो वो सी में नहीं है, इट मीन्स जो सेट वन में है वो 2 में नहीं है, 2 में है वो 3 में नहीं, ऐसा है। यानी कि 4 क्वेश्चन ऐसे जो डिफरेंट है, एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। इसी प्रकार अगर हम सेक्शन डी में चलते हैं, सेक्शन डी में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं यानी डिफरेंट है। तो इस बार सीबीएसई ने जो सेट बनाए हैं वो सेट में क्वेश्चंस भी अलग रखे हैं, यानी कुल मिला के 17 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग हैं, एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। तो एक बात ये थी। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या टफ था या हार्ड था। तो अगर एज अ टीचर माना जाए तो टीचर के लिए तो खैर कोई भी क्वेश्चन पेपर हार्ड नहीं होता है, लेकिन अगर बच्चे के हिसाब से देखा जाए तो भी ये क्वेश्चन पेपर हार्ड नहीं है, एक एवरेज क्वेश्चन पेपर है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को, इन सभी तीनों क्वेश्चन पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर उन्होंने अपने पूरे ईयर में थोड़ी सी भी मेहनत की हो तो। इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसमें सभी पेपर्स में कम से कम 37 और 45 नंबर के क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से ही आए हैं, यानी कि एज इट इज़ कह सकते हैं उसको, बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन आए हैं 37 से 45 के। यानी किसी सेक्शन में, किसी सेट में 37 के हैं तो किसी में 40 के हैं, किसी में 45 के हैं, इस टाइप से तीनों सेट में देखा जाए तो एवरेज भी अगर मिलाया जाए तो 42 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी से ही आए हैं। यानी कि अगर इसको हम परसेंटेज में देखें तो 80 में से अगर 42 का अपन लगाते हैं तो करीबन 51-52% जो पेपर है वो एनसीईआरटी से आया, मतलब सभी बच्चे जिनने सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ी है तो वो भी बहुत अच्छे से पास हो सकते हैं और अपनी डिवीजन बना सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं किस सेट में जो पूरी तरह से एनसीईआरटी से ही आए हैं। तो देखिए, मैं अभी फ़िलहाल मेरे पास सेट वन है, सेट वन के क्वेश्चनों के बारे में बता रहा हूँ अभी मैं। तो सेट वन में क्वेश्चन नंबर 1 जो है यानी सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 है वो एनसीईआरटी का है, आप उसको देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आप सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं
तो वो चैप्टर नंबर 4 का जो एग्जांपल नंबर 6 है, पेज नंबर 89 पे दे रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये भी एनसीईआरटी से आया है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें से आप देख सकते हैं। फिर इसी का क्वेश्चन नंबर 5 यानी सेक्शन ए का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। यानी कुल मिला के 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आए हैं सेक्शन ए में। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी का जो फर्स्ट सेक्शन बी का जो क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन, वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो चैप्टर नंबर 7 का एग्जांपल नंबर 11 है और आप उसको पेज नंबर 169 पे देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी टाइप से अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, एज इट इज़ है, वो भी एनसीईआरटी से ही आया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 7.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर नंबर 12 का 12.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। डी सेक्शन की अगर बात करें तो डी सेक्शन में 23 नंबर का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 6 का थ्योरम है, और ये थ्योरम तो आपने पढ़ी होगी। तीनों ही सेक्शन में अलग तीन अलग अलग थ्योरम आई है और तीनों थ्योरम इंपॉर्टेंट थी, आपको सभी को अपने टीचर ने बताई होगी, तो वो थ्योरम भी बुक से ही आई है, मतलब एनसीईआरटी से ही आई है। अगर हम बात करते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन की, तो 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd क्वेश्चन है, आप ये भी एनसीईआरटी से ही आया है। तो इस तरह से आपको सेट 1 में 37 से लगा के 40 नंबर के क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से मिलेंगे। इसी तरह से सभी सेट में कि क्वेश्चन आए, आप चाहे तो मिला के देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।